नमस्कार। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेडटॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। पेट के बल सोना सीखो। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। जब आप पीठ के बल सोते हो तो पोस्टीरियर लंग्स का जो पोर्शन है वो खुलता नहीं है और लेटरल लंग्स पूरे नहीं खुलते। उस सिचुएशन के अंदर में अगर आपको कोरोना होता है तो कोरोना हमेशा लंग्स का पोस्टीरियर पोर्शन इन्वॉल्व करता है या लेटरल पोर्शन इन्वॉल्व करता है। सो अगर आप पेट के बल सोने की कोशिश करते हो और सीख लेते हो, याद रखिए सारे जानवर पेट से सोते हैं, कोई पीठ के ऊपर में नहीं सोता। सो अगर आप पेट के बल सोते हैं, जिसे प्रोनिंग बोलते हैं, और आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो लंग्स पूरे खुलते हैं, इससे आपकी ऑक्सीजन लो नहीं होती। और ऑक्सीजन की भी अगर आपको जरूरत पड़ी और अगर आप ऑक्सीजन को भी प्रोनिंग लगा के सोते हो तो ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है और आप प्रोनिंग के साथ में हाई फ्लो नेजल कैनुला लेते हो या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन रखते हो तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ी और आप प्रोनिंग पोजीशन में 12 घंटे रोज का वेंटिलेटर लेते हो तो आपको बचने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, आज से, अभी से, आज रात को जब सोएंगे तो पेट के बल सोना सीखिए। नहीं सो सकते तो अल्टरनेट करिए, कभी पेट पे कभी साइड पे, कभी पेट पे कभी साइड पे। सीधे मत लेटिए, खर्राटे भी नहीं आएंगी, सडन डेथ भी नहीं होगा, रात को हाइपोक्सिया भी नहीं होगा, और अगर कोरोना हो गया तो आपको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है इसमें कोई नई बात है तो इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें। नमस्कार।